हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी बेटनोवेट जीएम क्रीम की। ये क्रीम को बहुत लोग यूज़ करते हैं स्किन के अलग अलग कंडीशन में। ये आसानी से मिलने वाली एक क्रीम है, तो मोस्टली हर कोई मेडिकल स्टोर में ये मिली जाती है। ये बहुत ही एक सस्ती क्रीम है। 20 ग्राम की क्रीम जो है अप्रॉक्स 30 रुपीज़ में मिली जाती है। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी बेटनोवेट जीएम क्रीम का एक्चुअल यूजेस क्या है, क्या क्या फ़ायदा है इसका, इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है और क्या नुकसान हो सकता है। जितनी भी जानकारी ये बेटनोवेट क्रीम के बारे में आज के वीडियो में डिटेल में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वीडियो के अपडेट आपके पास पहुंचे। सो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं इसमें डाले गए कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें यूज किया गया बीटामेथासोन, जेंटामाइसिन और मिकोनाजोल। तो बीटामेथासोन जो है स्वेलिंग को कम करता है और साथ ही स्किन में होने वाली इरिटेशन को कम करता है। जेंटामाइसिन जो है प्रोटीन सिंथेसिस के रूप में काम करता है, ये बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। तो मिकोनाजोन जो है फंगस के ग्रोथ को रोकता है, फंगस को बढ़ने नहीं देता है। तो गाइस, बेटनोवेट जीएम क्रीम का यूज जो है बेसिकली दांत खाद खुजली को ठीक करने के लिए किया जाता है, या फिर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया, शरीर पर चकत्ते पड़ गए हो, एक्जिमा की प्रॉब्लम हो, सोराइसिस की प्रॉब्लम हो, उस टाइप की स्किन डिजीज में जो है इसका यूज किया जाता है। तो शरीर पर कहीं पर भी दाने निकल के हो, वहाँ पर खुजली आ रही हो, तो उस जगह आप इसे यूज कर सकते हैं। ये क्रीम जो है पिंपल्स को भी ठीक करती है, दाग धब्बे को भी रिड्यूस करती है। लेकिन मैं सलाह दूंगी कि ये इसको फेस पर ना ही लगाएं। कई लोग इसे फेयरनेस के लिए भी यूज़ करते हैं, छाइयों को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उनको फ़ायदा भी मिलता है और थोड़े दिन के बाद जो स्किन ख़राब होने लगती है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है, लाल लाल हो जाती है, चेहरे पे और भी ज़्यादा दाग धब्बे जो है दिखने लगते हैं। तो इसलिए फेस पर कुछ डिजीज के लिए भी यूज़ करना भी पड़े तो डॉक्टर से पूछ कर ही यूज़ करें। एंड बेटनोवेट जीएम क्रीम को जो है बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता है, बहुत ही कम क्वान्टिटी में और बहुत ही कम दिनों के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अब बात करते हैं कैसे यूज़ करना और कब यूज़ करना है। तो अगर आप फेस पर यूज़ करते हैं, फेस पर दाने होने से या कुछ इन्फेक्शन होने से, तो ओनली रात को यूज़ करना है फेस को धोने के बाद। और अगर शरीर पर यूज़ करते हो एक्जिमा के लिए, सोराइसिस के लिए, तो दिन में आप दो बार भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर ये क्रीम को लगाने के बाद स्किन पर एलर्जी हो गया या उल्टा कुछ रिएक्शन हो रहा है, तो तुरंत ही ये क्रीम को लगाना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी कुछ हेल्प मिली हो, मेरी अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।